ओम शांति। 6/4/2023 यानी 6 अप्रैल 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का मौका मिल जाए। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार करके तुम्हारा मुंह फेर देगी। आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एसी का टिकट लेने का आधार क्या है और एसी का टिकट किन्हें प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एसी का टिकट लेने के लिए हर कदम पर श्रीमत पर चलना पड़ेगा। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़ेगा। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एसी, ठीक है, सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशनर। तो जिसको भी एसी का टिकट चाहिए उसको श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबर बार पद तो फिर हैं ही, ठीक है। तुम ब्राह्मण बच्चों का मुख्य उद्देश्य है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी फिर प्रजा वाले पद तो हैं ही। आज का गीत है, वह बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते ही हो। अभी तुम बच्चे हो, ब्राह्मण संप्रदाय फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं, बेहद का बाप बच्चों के सम्मुख है और उसी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा बच्चों को मिल रहा है, बाकी और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु बंडर यह है, आश्चर्य की बात यह है कि भक्त लोग भगवान को जानते ही नहीं, बाप को जानते ही नहीं। ऐसा कब देखा, सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। अगर सजनी को नहीं पता होगा कि हमारा साजन कौन है तो सजनी क्या साजन को याद कर पाएगी, नहीं याद कर पाएगी। तो भक्ति मार्ग वाले भगवान को पहचानते ही नहीं, तो भक्ति मार्ग वाले क्या भगवान को सही से याद कर पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे। भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है, इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता है। भक्ति मार्ग में भी भक्त लोग भगवान को ही याद करते हैं, लेकिन भक्त लोग भक्ति मार्ग में भगवान को पहचानते नहीं हैं, इसीलिए उस याद करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर हम किसी को पहचाने बिगर याद करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, नहीं मतलब निकलेगा। तो भक्त लोग भगवान को बिना पहचाने याद करते हैं, इसीलिए भक्ति का कोई मतलब नहीं निकलता है। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं हैं। भगवान कौन है, उस भगवान से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोवर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। भक्ति मार्ग से अच्छा तो जिस्मानी पढ़ाई है, कम से कम हम जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल में जा करके पढ़ाई पढ़ते हैं तो उससे डॉक्टर इंजीनियर तो बनते हैं, लेकिन भक्ति से तो हम कुछ भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो भक्ति से तो अच्छा है जिस्मानी पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है, हमको पता तो रहता है कि हम पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में तो हमको पता ही नहीं रहता कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है यह कोई भी समझ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं, बाबा हमको 5000 वर्ष पहले की तरह आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्षा लोगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे, तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को बरेंगे या चंद्रवंशी सीता को बरेंगे? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं कि राम बड़ा है, यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना, वैसे भक्ति मार्ग वाले झगड़ा करते हैं। कुछ कहते हैं कि श्री राम त्रेता युग में आए थे और कृष्ण द्वापर में आए थे, इसलिए श्री राम बड़े हैं, ठीक है। और
फिर कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं, इसी में लोगों की लड़ाई होती रहती है, भक्त लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो भक्त लोगों को अच्छे से पता नहीं होता कि श्री राम कब आते हैं, श्री कृष्ण कब आते हैं, इसीलिए भक्त लोग आपस में लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि राम बड़ा है, कोई कहता है कृष्ण बड़ा है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वैसे भक्ति मार्ग वाले आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, तुम बच्चों का मुख्य उद्देश्य है ही बेहद का वर्षा लेने का, वह है सूर्यवंशी राज्यपद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एसी से ऊंचा तो कुछ होता नहीं है, एसी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, उसी प्रकार एसी फर्स्ट क्लास है सतयुग, एसी सेकंड क्लास है त्रेतायुग। तो सतयुग की पूरी राजधानी एसी समझो, फिर है फर्स्ट क्लास, ठीक है। सतयुग की पूरी राजधानी है एसी फर्स्ट क्लास और त्रेतायुग की पूरी राजधानी है एसी सेकंड क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एसी का सूर्यवंशी राज लेंगे, वह चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का राज्य लेंगे, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर बार बारिश बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर के राज्य पाएंगे, नहीं तो फिर थर्ड क्लास में प्रजा बनेंगे, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर बार दर्जे तो होते हैं ना, सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एसी की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है, ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो जो बड़े लोग होते हैं, जो साहूकार लोग होते हैं, वही ट्रेन में एसी का टिकट लेते हैं। तो हम बच्चों में कौन एसी फर्स्ट क्लास का टिकट लेगा, हम बच्चों में कौन सतयुग की राजधानी का टिकट लेगा, जो बच्चे सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हैं वही बच्चे सतयुग के टिकट लेंगे, एसी का टिकट लेंगे। जो बच्चे कह देते हैं कि बाबा यह सब कुछ आपका है, मैं भी आपका ही हूँ, वही बच्चे एसी का टिकट लेते हैं, मतलब सतयुग फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं, ठीक है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया है, श्री कृष्ण ने वर्षा दिया नहीं है, श्री कृष्ण ने वर्षा लिया है, किससे लिया है, परमपिता परमात्मा से, और सतयुग में प्रारब्ध पाई है, वह भी बाप का बना, प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में सुख भोगते हैं, अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पहले प्रारब्ध बनाई होगी, अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि पहले श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया होगा, बाप से वर्षा लिया होगा। भारत की महिमा बहुत है, भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता, भारत ही परमपिता परमात्मा का जन्म स्थान है, यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए, भारत नंबर वन तीर्थ है। परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इसका मर्तबा कम हो गया है, नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते, पत्थरों की पूजा नहीं करते, सर्व का पतित पावन बाप, उनका सोमनाथ मंदिर आज भी है, शिव पर ही सभी आकर के माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है, इसीलिए शिव बाबा धरती पर आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने आप को आत्मा समझो, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं है, आश्चर्य की बात है ना। कहते भी हैं कि ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह शिव धरती पर कब आए थे यह किसी को पता नहीं है, यह 5000 वर्ष की बात है, बाप ही आकर के नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं, सतयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं है। बाप बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनो, विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है, वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं, यह कितनी गुप्त गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें, आज ब्राह्मण हैं कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार से शूद्र बन पड़ते हैं, माया देरी नहीं करती, ठीक है। जैसे विष्णु के हाथ में चक्र दिखाया जाता है, शंख दिखाया जाता है, कमल पुष्प दिखाया जाता है, लेकिन
ये सब अलंकार देवी देवताओं के नहीं हैं, ये सब अलंकार हम ब्राह्मण बच्चों के हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, तो हम ब्राह्मण बच्चों का अलंकार है ये सब, देवी देवताओं का अलंकार नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों में क्यों नहीं दिखाया जाता ये अलंकार? क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे आज तो ब्राह्मण हैं, पता नहीं कब तक ब्राह्मण रहेंगे, कल शूद्र भी बन सकते हैं, कल एक ज्ञान से दूर भी जा सकते हैं, माया दूर भी ले जा सकती है, इसीलिए ब्राह्मणों को ये सब अलंकार नहीं दिखाया जाता। ठीक है, ये सब अलंकार देवी देवताओं को दिखाया जाता है, क्योंकि देवी देवता तो फिर संपूर्ण बन चुके होते हैं। असल में शंख चक्र गदा कमल का फूल ये सब देवी देवताओं का अलंकार नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चों का अलंकार है, लेकिन दिखाया देवी देवताओं को जाता है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों का कोई भरोसा नहीं है ना कि हम ब्राह्मण बच्चे कब तक ब्राह्मण रहेंगे, कभी शूद्र भी तो बन जाते हैं, विकार में भी तो चले जाते हैं, तो फिर इस अलंकार का अपमान होगा ना, इसीलिए यह सब देवी देवताओं को दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार करके मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आ करके कहते हैं ना कि थप्पड़ मार दूंगा तो तुम्हारा मुंह फिर जाएगा, तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ लगा करके मुंह फेर देती है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति को पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति को ख़त्म भी कर देती है माया। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। ठीक है, माया चेक करती रहती है कि कौन सा बच्चा बाप को भूल रहा है, कौन सा बच्चा गफलत कर रहा है। अगर माया को कोई भी बच्चा गफलत करता मिला ना, तो माया तुरंत थप्पड़ लगा देती है। ठीक है, इसीलिए बाप को हमेशा याद करना है, बाप को भूलना नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी बाप को भूलेंगे तो माया तुरंत अपनी ओर खींच लेगी। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर करके नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है तो पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर जब नया मकान बनाता है तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि अब हमारा नया मकान तैयार होगा और हम नए मकान में जाएंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिष्ट लाया है, वह बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाड़ले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं, समझते हैं कि फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है कि आप राजी खुशी हैं, तो वह फिर सुनाती है, यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं कि मैंने फलाना घर में जन्म ले लिया है, यह सब साक्षात्कार की रीत ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है, बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है, अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके, जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था इसलिए हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, भोग लगाया जाता है तब भी आत्मा को बुलाया जाता है, तो यह सभी ड्रामा में नूंध है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नए आदमी ना समझने के कारण मूझते रहते हैं, बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के बस में हूँ, ऐसे नहीं कि ड्रामा के बिगैर कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं ठीक कर दूँगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूँगा, नहीं नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सभी पुराने हो गए हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के अनुसार ही चलता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे बच्चे बीमार हैं तो मैं उनको ठीक नहीं कर दूंगा, मैं उनको ऑपरेशन करवाने से बचा नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी ड्रामा में नूंद है कि तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ेगा, तो वो होना ही है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं खुद ही ड्रामा के अनुसार चलता हूँ, तो मुझे संगम में आने का ड्रामा है तो मैं संगम युग में ही आता हूँ, द्वापर युग में तो नहीं आ जाता हूँ। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं खुद ही ड्रामा के अनुसार चलता हूँ, तो तुम बच्चों को भी तो ड्रामा के अनुसार चलना ही पड़ेगा।
कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा बीमार है लेकिन भगवान ठीक नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारा बच्चा बीमार है तो कर्म भोग रहा है, उसमें भगवान क्या करेगा, भगवान तो खुद ड्रामा के बस में है। ठीक है, तो अब सभी पुराने हो गए हैं, अब सबके ऊपर पाप का बोझा है, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह बाप के पास वर्षा लेने के लिए अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन करके देवी कुल के बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता, यह बातें बाप ही समझाते हैं। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आ करके तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी आश्चर्यचकित वाली बातें हैं। निराकार भगवान अनुवाच शरीर से बाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा फिर बाच कर ना सके। ठीक है, लिखा हुआ है ना गीता में निराकार भगवान अनुवाच। अरे तो निराकार भगवान जब किसी के शरीर में आएंगे तब ना बाच करेंगे, तब ना बोलेंगे। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी तो आत्मा थोड़ी ना बोल पाएगी, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं नहीं, समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कुछ लोग सुबह उठ करके सांस खींचते हैं, कसरत वगैरह करते हैं और बोलते हैं कि मैं योग करता हूँ सुबह उठ करके, तो तुमको वो सांस खींचने वाला योग नहीं करना है, तुमको अपने आप को आत्मा समझना है और ये भी समझना है कि मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है और तुम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह उठ करके 4 बार सांस खींचो और बोलो कि हम सुबह उठ करके योग करते हैं, वो योग नहीं होता है, परमपिता परमात्मा से योग लगाना है तुमको। ठीक है, बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सारा पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा भी कहता है कि मैं भी अपने मन का नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के अनुसार ही चलता हूँ। ठीक है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम बच्चों को ड्रामा में दुख लिखा है तो तुम बच्चों को दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम बच्चे वो अपने कर्म के अनुसार दुख पा रहे हो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी ड्रामा के अनुसार चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने मन का तो नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे चलो बीमार हैं तो दया आ जाए तो मैं उनको ठीक कर दूं, क्योंकि मैं भी तो ड्रामा के अनुसार चलता हूं, मैं भी तो अपने मन का नहीं कर सकता। ठीक है, तो भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का कैसे पता हो सकता है, एग्जाम भी जब लेवे तब पता पड़े, एग्जाम से ही सदगति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदया लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं, बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं, यह काम एक परमात्मा का ही है। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है, वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं, वहाँ स्वर्ग में दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होते हैं। यहाँ भी देखो बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कलयुग में भी जो लोग पैसा वाले होते हैं उनके घर में कितनी सफाई होती है, उनके घर में तुम कभी मक्खी मच्छर तक नहीं देखोगे, कोई मच्छर घुस नहीं सकता। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंदा करने वाली कोई चीज़ हो, नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा सूबी रस भी पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार है। बैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है, यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो, गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए, बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए, बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी लोग कहते हैं कि यह काग भिष्ठा समान सुख है,
सन्यासी लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कभी सुख कभी दुख होता ही रहता है, किसी को हमेशा सुख होता ही नहीं। तो सन्यासी लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सन्यासियों को पता ही नहीं है कि सतयुग में हमेशा सुख ही सुख था। छोटेपन में यह राधे कृष्ण हैं, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं, स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी एक जान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बना करके पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, इसको कहा जाता है मूर्खता। भक्ति मार्ग में हम भक्त लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, फिर उस मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर पूजा करने के बाद उस मूर्ति को पानी में बहा देते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसी को ले जा करके पानी में फेंक देते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है, हर एक इस ड्रामा के बस है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझ करके अडोल रहना है। दूसरा है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ करके इस शरीर से अलग हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करण हार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े ते बड़ा कार्य स्वयं करावन हार बन करके निमित्त करण हार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावन हार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। परमपिता परमात्मा हर कर्म में करावन हार के रूप में हमारा साथी है। आज का स्लोगन है, एक ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ठीक है, अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।